हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10। जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स है उनके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट वीडियो है। आप उसमें से क्या कर सकते हो, देख सकते हो अलग से। उसमें सारी डिटेल्स हैं कि डेफिनेशन सेट्स की, सेट्स क्या होते हैं, सारे जितने भी नेचुरल सेट्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे अलग से लिखे हुए हैं। ख़ास तौर पर रैशनल नंबर ज़रूर देखिएगा, वो मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया और अक्सर स्टूडेंट्स को वहाँ जाके बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो मैंने रैशनल नंबर पर बहुत अलग से वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। ये जितने भी डेफिनेशन ऑफ सेट्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं या ये हैं, ये आपको अलग वीडियो में मिलेंगे। अब मैंने क्या किया, जो 5.1 का क्वेश्चन 1 था ना, उसमें ये 1, 2, 3, 4 पार्ट्स बुक में दिए थे, मैंने दो एक्सटेंड कर दिए। क्या कि एक्स यूनियन वाई अगर हम फाइंड कर रहे होंगे, साथ हम वाई यूनियन एक्स भी फाइंड कर रहे होंगे, तो हम उससे ये वाला प्रूफ कर सकते हैं, पांचवा। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपके पास एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू वाई यूनियन एक्स। ये वैसे ही है जैसे आप देखते हो 2 + 3 क्या आता है, 2 + 3 या 3 + 2, एक जैसी चीज़ है, क्लियर बात, ठीक है। माइनस में नहीं चलता लेकिन प्लस में चल जाता है, इसलिए मैंने कोशिश की कि इसको भी साथ आपको एक्सप्लेन किया जाए। ये भी बराबर है, दोनों का आंसर क्या निकलेगा, 5। इसी तरह से मैंने कोशिश किया कि आपको फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला इसके साथ ही करा दें। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको वो क्लियर कराया जाए। यूनियन का मतलब क्या होता है, टू कम्बाइन। जितने भी सेट्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम सारे सेट्स को क्या करते हैं, कम्बाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। सेट का लिखने का तरीका क्या होता है कि ये जो लेटर्स हैं उनको जो बाय रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये कैप्शंस कहलाते हैं और ये कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, एक्स और वाई कैपिटल लेटर्स में। ये जो अंदर लिखे होते हैं इनको मेंबर्स ऑफ द सेट कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। सेट के लिए लाजमी है कि ये वाली ब्रैकेट्स लगी हों, सेट के लिए ये वाली ब्रैकेट्स नाम लाजमी है। अब इसका नाम क्या वाला बताओ, याद है आपको, इसको आम तौर पर बच्चे कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ब्रेसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेसिस। तो ये मैंने सारा आपको अलग जो सेट का इंट्रोडक्शन है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ, आप उस पर जाकर वीडियो पे देख सकते हो, ओके। तो हम कोशिश करेंगे कि जो एक जैसे बिल्कुल उनको छोड़ते रहें, लेकिन ज़्यादातर की वीडियो मौजूद होगी, आप उसको देखो। अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए होगी तो आप मुझे मैं अपना यूट्यूब का लिंक भी दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके। नाउ फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट है एक्स यूनियन वाई। तो हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स यूनियन वाई। तो हमने क्या किया, पहले एक्स के एलिमेंट्स लिखे, ये बेस्ट तरीका होता है। जब भी इनको करो तो कोशिश करके आप इसको, मैं ज़रा दूसरा मार्क कर लेना, कोशिश करके आप इनको इसी मेथड से करो ताकि जो एग्जामिनर है उसके लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। तो पहले लिखा हमने एक्स के एलिमेंट्स क्या है, वो 1, 4, 7, 9। फिर क्या सिंबल है, यूनियन, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है हमारा, वाई के एलिमेंट्स, वाई के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4, 5, 9। कोशिश करेंगे आसान से स्टार्ट करें, ओके। अब हमने क्या किया जी, फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड कई बच्चे नहीं लिखते, लेफ्ट हैंड साइड जरूर लिखा करो, रेगुलरली लिखा करो। उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, इसको हमने डालना है। जब हमने यूनियन लेनी तो हमने क्या करना था, उनको कंबाइन करना था, क्या करना था, कंबाइन। तो हम इनको क्या करेंगे, मिला देंगे, कोशिश करेंगे उनको ऑर्डर से ठीक लिखें। और जब भी कोई सेट लिखते हैं तो उसके एलिमेंट्स को रिपीट नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये 4 दोनों में है तो हम कितनी दफ़ा लिखेंगे, 1, ओके। फर्स्ट 1, 2, 1, 2, 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। तो क्या किया हमने यूनियन में, ये दो सेट से एक्स और वाई, जब हमने उनकी यूनियन की है तो हमने पहले एक्स यूनियन वाई सिम्बॉलिकली लिखा है, फिर उन सेट्स के एलिमेंट्स सारे लिख के बीच में यूनियन डाल दिया है और फिर उनको कंबाइन करके लिख दिया है। इस तरीके से कि कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही दफ़ा आना चाहिए। जिस तरह 4 रिपीट हो रहा था तो एक दफ़ा आया, बाकी देखो इसमें 1 है, 1 आ गया, 2 है, ठीक है, 4 है, दोनों में तो एक दफ़ा आएगा, 5 है, 7 है, 9 दो दफ़ा, तो एक दफ़ा आएगा। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका कर दिया, डन, ये फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ये थर्ड पार्ट करेंगे, दूसरे नंबर वाई यूनियन एक्स, थर्ड पार्ट वो क्या है जी, वाई यूनियन एक्स।
अब वाई के एलिमेंट्स बोलो क्या है, क्या है वाई के एलिमेंट्स? ये वाले 2 4 2 4 5 9। उसके बाद क्या है? यूनियन। और किसके एलिमेंट्स हैं? एक्स के। वो क्या है? 1 4 7 9। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इन सारों को आप सॉरी आपस में क्या करना है, कंबाइन करना है। चलो वाई यूनियन एक्स इज इक्वल टू, फिर ऑर्डर में लिख दो जरा, क्या आएगा? 1 फिर 2 4 दो दफा आ रहा है, एक दफा लिखेंगे, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 दो दफा आ रहा है, एक दफा लिखेंगे। अब हम इसका नाम लिख लेते हैं ए, इक्वेशन ए, और इसको इक्वेशन बी बना देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, इसको इक्वेशन ए बना दिया, इसको इक्वेशन बी बना दिया, क्योंकि अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। ये मैंने किया है नंबर 3 पे, ये मैंने नंबर 3 पे किया है, इसलिए मैंने इसको इधर 3 डाल दिया। ओके हो गया। ओके तब हम क्या रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड बी इट इज प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव हो गया जी? ये देखो एक्स यूनियन वाई का क्या आंसर है, 1 2 4 5 7 9, और वाई यूनियन एक्स का 1 2 4 5 7 9, ये दोनों एक जैसे है ना, तो क्या प्रूव हो गया, ए एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू वाई यूनियन एक्स, और नीचे लिख दो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। अभी इसका ये करेंगे, इसको रब करेंगे, ठीक है। तो मैं ज़रा देखता हूँ पीछे जाके कैसी रिकॉर्डिंग हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।